इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिफाकत अली खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा बल्कि उन्हीं से सवाल पूछूँगा। रिफाकत साहब, अमेरिका में आज आपसे मुलाकात होगी। जी जी जी। लोग आइडियलाइज करते हैं आपको, कुछ बताएं अपने बारे में, क्यों आप अमेरिका आए हुए हैं और थोड़ा सा बताएं अपने ट्रिप में। जी अपने एक निजी ट्रिप पे हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा यहाँ पे मार्च में। अच्छा, दोबारा मार्च में परफॉर्मेंसेस के हवाले से। ठीक है, सही है। तो यहाँ मेरे कुछ ज़रूरी काम थे मेरे, मुझे है। मिलना था किसी से। ठीक है, तो फिर आज दोस्तों ने मुझे आज यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस है मेरी। ठीक है, तो मैंने कहा इनका दिल नहीं, नहीं लोग बाहर बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स देख रहा हूं। I would love to come to join my community. ठीक है, these people are, we have, this is our duty to, जब भी हमें मौका मिले to entertain them, और we have to celebrate everyone. ठीक है, so America is a beautiful place, a lovely country. Exactly. And I really love, especially the overseas Pakistani those lives in America, really support everybody in Pakistan. So great respect. रिफाकत भाई, ये बताइएगा कि मौसीकी को रूह की गज़ा कहते हैं, हाँ। तो आप मौसीकी को किस तरह डिफाइन करेंगे? आप क्या, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप मौसीकी, देखिए जी, बिल्कुल रूह की गज़ा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रूह तो खाना नहीं खाती, रूह तो महसूस करती है। बिल्कुल, जिस्म नज़र आता है, रूह नज़र नहीं आती। इस तरह सुर भी नज़र नहीं आता और रूह भी नज़र नहीं आती, लेकिन इनको दोनों को महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसको रूह की गज़ा कहा गया है। और रूह की बाज़ूकात कोई ऐसी खुराकें भी जिसको रूह पसंद नहीं करती, तो रूह कहती मैं इसके साथ अटैच नहीं हूँ, तो ये वाकई रूह की गज़ा है। वाकई रूह की गज़ा है। ठीक है, आपको किस तरह की पर्सनली किस तरह की मौसीकी पसंद है? मैं जी बहुत ज़्यादा, जो भी मेरा ख़ानदान है, उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, तो क्लासिकी मौसीकी मुझे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद गज़ल है, उसके बाद फिर फिल्मी गाना गाना मुझे बड़ा शौक था। ठीक है, अब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, तो अफसोस, ये अफसोस से भी कहना पड़ता है कि हमें फिर दूसरे मुल्कों में जाके गाना पड़ा, और जहाँ पे कभी कभी हालात अच्छे नहीं होते तो फिर वापस आ जाना पड़ता है। तो अल्लाह पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इतनी तरक्की हो, वैसी दोबारा फिल्में बनी अच्छी अच्छी, और वहीद महाराज जैसे आर्टिस्ट फिर आ जाएँ तो हमारी भी आवाज़ लोग सुन लें। बहरहाल, कवाली इज़ ऑल्सो माई पैशन। कवाली इज़ ऑल्सो योर पैशन। तो आपका कोई फेवरेट सिंगर, मौसीकार, म्यूजिक कौन है? देखिए जी, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अपने वालिद उस्ताद नज़ाकत अली, चचा सलामत अली खान साहब का। बिल्कुल, इतना बड़ा घराना है, तारुफ है। मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जो भी बड़े लोग हैं सारे, किशोर कुमार, लता जी, अहमद रुश्दी साहब, जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने गाया, मैं लव दैम। रिफाकत भाई, थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुना दे अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ जी, ईद मिलाद नबी का महीना भी चल रहा है। बिल्कुल, तो अल्लाह ने मुझे इसादत बख्शी है, अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे नाम एक नातिया कवाली कर दी, हालांकि वो कवाली असल में नुसरत फतली खान साहब की है। ठीक है, क्योंकि मैं उनको अपना उस्ताद भी समझता हूँ, अपना बड़ा भाई भी समझता हूँ, और उनका मैं ऐसा फ़ैन हूँ शायद कोई होगा उनका फ़ैन, तो उनकी तरफ से ये रूहानी इनाम मिला है मुझे। अच्छा, तू कुजा मन कुजा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ये दो लफ्ज़ हैं, मैं पेश करता हूँ। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू मेरे हरम मैं फकीर अजम तेरे गुन गोर ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह, पढ़ आप रहे थे लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जो बींगा मुस्लिम, हर एक मुसलमान के बेशक दिल में आती है। कौन नहीं उनका दीवाना? बिल्कुल, कौन नहीं उनको चाहता, कौन नहीं चाहता? बिल्कुल बिल्कुल। रिफाकत भाई, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं। बस ये बचपन तो ऐसे ही था, उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था तो ग्राउंडों में खेलते रहते थे। आजकल का जो बचपन है वो बच्चे लॉस्ट कर चुके हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, उस बचपन का कंपैरिजन जो है, बच्चे उस तरह से उन गलियों में, महलों में, होते ना वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का साबुन, वो कागज़ की कश्ती, वो दरिया का पानी, तो वो वाला बचपन जो था ना वो बड़ा खूबसूरत था, रजाइयों में बैठ के कहानियाँ सुननी, और लोगों को इतनी अवेयरनेस, इतना एक्सपोजर नहीं था। आजकल का बच्चा तो सब कुछ बता देता है, उन पहले ही पता लग गया सारा। किसी ने मैडम नूर जहाँ से पूछा कौम को कोई मैसेज दे, मैडम कहती मैं की मैसेज देना, कौम ने तो सारियाँ समझाना। बड़ी बात की है सारा कुछ सबको पता है, ये चीज़ें हम बताने वाली नहीं है, बल्कि वो उल्टा जो 20 साल छोटा है
वो हमसे 20 साल बड़ा है, बड़ा है, इतनी माशाल्लाह, कितना एक्सपोजर है उनके पास। सही बात है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, बचपन बस ऐसा ही था, मासूम सा बचपन था। सही। तो कब फैसला किया आपने कि आपने भी अपनी फैमिली, इतना बड़ा नाम है आपकी फैमिली का, इसी के ऊपर, इसी म्यूजिक के ऊपर आपने अपने प्रोफेशन को भी अपने आप को लेके चलना? देखिए जी, घर में ही था सब कुछ, तो फैसला करने में देर नहीं लगी, क्योंकि लोगों के घरों में मुश्किल आती है। हमारा तो 500 साल पुराना घर है, शाम 84, तो वो हम करते रहते। फिर मैंने अपने चचा से कहा, सलामत अली खान से, उन्होंने कहा बेटा जो मर्जी गाओ पर गाना गाना है, ठीक है, किसी को भी गाओ, खुद गाओ, अपना गाना गाओ, किसी का गाना गाओ, किसी के गाने को अपना करके गाओ, लेकिन तुम गाना गाओ। तो उनकी मेहरबानी, मेरे उस्ताद सलामत अली खान साहब की मोहब्बत से मुझे ये शर्फ मिला कि आज मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ छोटा सा। बिल्कुल। अपना कलाम तो आपने सुनाया है, जो आपको किसी का पसंद है सर, वो भी सुना दें हमारे व्यूअर्स के लिए। गम गए या खुशी गए तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही गए तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो आपकी जिंदगी के बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी कौन सी? बस ना ही पूछो, कहते पंजाबी जी, इश्क बोल कुछ ना फूल। थोड़ा जैसे दसो ना फिर। बस जितना प्यार से उतना ब्याह हो गया। अच्छा हो गया, मैं तो तुम्हें खुशकिस्मत हो, मैं तो पूछना चाहिए। बिल्कुल खुशनसीब है। वो किशोर कुमार का गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, के उस गाने च कहते कि पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है। तो बस वे बंदा एक ऐसी जेल है, ये अंदर भी लोग कुछ नहीं देते, बाहर भी कुछ नहीं। अच्छा, वो लड्डू है जिन्हें खाता है वही पछता रहे हैं, जिन्हें नहीं खाता वही। बट एनीवे आई एम रियली हैप्पी, आई हैव फैमिली, मेरे चार बेटे हैं, माशाल्लाह सारे गाते हैं, दो छोटे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक बेटा प्रोफेशनली गा रहा है, उस बख्त अली खान नाम है उसका। तो ये बताएं कि मोहब्बत की अब बात चल पड़ी है, और मोहब्बत को आपसे बेहतर कौन समझता होगा? मोहब्बत क्या जिंदगी में एक ही दफा होती है या बार बार होती है? मैं शेर सुना देता हूँ। मोहब्बत करने वाले कम न हो गए, तेरी महफिल में लेके, तेरी महफिल में लेके हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले गम ना होंगे। माशाल्लाह, मेरे हर सवालों की इतनी खूबसूरती के साथ आपने म्यूजिक की लैंग्वेज में जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया रिफाकत अली खान साहब आपके टाइम का।